बोले आपने मर गया होना नहीं भरवा है सारे मारे को 10 बीघा जमीन है 15 बीघा जैसी भी उपी है बाटे बदु भी है मार दो तो जा पड़ी भाई आज 13 नंबर में आई गयो पर मैं ऑप्शन कही है 52 कॉलम में 52 कॉलम में क्या आप रोटी दोनों टाइम खाते हो एक टाइम खाते हो एक टाइम मेरे कोई खाए कोई खाए साल में कपड़े दो जोड़ी पहनते हो एक जोड़ी पहनते हो एक जोड़ी कोई पहरे मारे ढंगला पता लगे अंदर बोलो पूरी बंद अच्छा फिर बता दो आपके क्या लाइट है क्या फिक्स है क्या टीवी है क्या टीवी है क्या पंखा है क्या अब आज सर्वे करो वापस उसमें से 100 में से इस रोयडा में बताऊं खर्दा में बताऊं आपको हर गांव में 100,000 में से 200 घर ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल बेकार है वो है गरीब है गरीब रेखा वाले बाकी सभी 99% सब उनको गांव गांव लेने के भी अधिकार नहीं है माना डे करोड़पति 1.5 लाख का उसका बंगला बन रहा है कितना 1.5 लाख का तो बढ़ चुका और वो गेहूँ लेने के लिए सबसे पहले जाता खर्दा में एक इधर से आते हैं भरवाड़े की तरफ से बिल्डिंग है कम कम 2 करोड़ की लेकिन वो पेंशन की लाइन में खड़ा है पेंशन की लाइन में खड़ा बात ये है ना गरीब जो है वास्तविक गरीब है उनको जो नहीं मिल रहे हैं आज वो भूखा है ये चीजें क्योंकि वो छूट गया इनका ये लखपति है ऐसा भी ये लखपति है इनका इनका सुनो बीपीएल में कौन होना चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि इनके चाय पिला दी मैं थोड़ा सा ठुमका लगा दिया तो इनको तो कर दिया बीपीएल में उनको कर दिया हैपील में बस ये गवर्नमेंट का नुकसान और इसी तरह से नहीं होने देंगे तो चाय नहीं बंद कर दो यूज नहीं पूरी वापस दोबारा जयपुर जाना पड़े मैं जाऊँगा भाई तो एक महीना मैं बैठूंगा नहीं जवाब ये कानून हम सब बनवाना चाहते हैं यहाँ पे ये कानून की मांग उठी है पूरी और इस कानून के लिए पूरी लड़ाई चालू है पूरी की पूरी है हमारे बीच में निखिल डे जी आए हुए हैं आज बजरंग जी आए हुए हैं आज यहाँ पे जी हमारे बीच में आए हुए हैं ये सब साथियों ने बड़े स्तर पे मांग उठाई हुई है मैं निखिल डे साहब का एक बार परिचय करा देता हूँ निखिल डे जी हैं आप मजदूर किसान शक्ति संगठन एक संगठन है पूरा मजदूरों का आप उसमें काम करते हैं और हम सब मनरेगा को जानते हैं नरेगा को जानते हैं तो आपका परिचय उतना काफी है कि ये नरेगा कानून जो बना था ये नरेगा की सोच जिसने सोची थी ये नरेगा कानून जो बना था ना वो आप और आपके साथियों की सोच थी इसमें बाद में फिर और लोग जुड़े तो आज जो नरेगा के कानून को बनाने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश में नरेगा का कानून बनाया जिसकी पूरे दुनिया भर में आज पहचान है उस कानून की उस कानून को बनवाने वाले व्यक्ति उस कानून में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठे पर इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये खाली सपना है नरेगा का कानून सूचना के अधिकार का कानून है ना ऐसे ही और भी कानूनों तो ऐसे ही जो आपने सोचा आपके साथियों ने सोचा और फिर हम सब भी इसके साथ में जुड़े कि ये हमारे क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी आप देखिए हमारे बीच में ये बाबा बैठे हुए हैं इनके बेटे मर गए हम सबको पता है ये तो आपके गाँव के हैं कितने साल हो गए दादा बेटा मरे हुए 4 साल है 4 साल से ये व्यक्ति अपने बेटे की मृत्यु के लिए पूरे कागज सही है सब कुछ सही है उसको लेके विभाग के चक्कर लगा रहा है उदयपुर चक्कर लगा लिए गोगुंदा चक्कर लगा लिए जयपुर चक्कर लगा लिए हर अधिकारी के पास चक्कर लगा लिए इनका काम तो नहीं हुआ इन जैसे और भी सैकड़ों लोग हमारे गाँव में मौजूद है सरकार में उनका काम तो नहीं हुआ पर उनकी तनख्वाह तो बराबर चालू है ना जब काम ही नहीं हुआ तो तनख्वाह किस बात और जब तक बिना काम की नप्ती किए तनख्वाह चलती रहेगी तो फिर काम क्यों करेगा मास्टर को बिना पढ़ाए तनख्वाह मिलती रहेगी तो मास्टर जी क्यों पढ़ाएंगे सचिव साहब को बिना काम किए पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी तो वो क्यों करेंगे रोजगार सहायक को बिना रोजगार गारंटी में सबको काम दिए तो वो काम क्यों करेंगे और काम करने का फिर पैसा अलग से दो ऊपर से आकर के तो इस कानून की सबसे बड़ी बात यही है और ये पूरी मांग है और इसीलिए ये कानून की जैसे भवन जी ने बताया गोविंद जी ने बताया
कि राज्य स्तर पे बड़े स्तर पे तो ये मांग लगातार उठ ही रही है, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बन जाता, और सरकार का ये वादा था जब पिछली सरकार ने चुनाव लड़ा, जब वादा किया था, लिख के वादा किया है अपना, अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख के कहा था कि हम जीत गए, हमारी सरकार आ गई तो हम ऐसा कानून लाएंगे जो कर्मचारियों के काम की नप्ती करेगा, और आज वही सरकार जो है वो इस कानून को नहीं लेके आना चाहती, वही इस कानून को लगातार टालती आ रही है। 4 साल हो गए सरकार बनने आए, 3.5 साल हो गए, अब तक इस कानून को पास नहीं किया, और इस कानून को पास कराने के लिए ये पूरी यात्रा थी, ये पूरे धरने थे। ये बाबा एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है। ये बाबा 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं, और आप ये देखिए पूरा, एक आदमी है अपने कोटड़ा के पास के गांव का है, ऐसे जैसे इनका बेटा मरा उस गांव में, वो एक आदमी की पत्नी मर गई, वो भी कल्याण बोर्ड में जुड़ी हुई थी, उस आदमी को पता भी नहीं था कि मेरी पत्नी की डायरी बनी हुई है और मरने पे उसको 2 लाख का फायदा मिलता है। ठीक है, जिन भी लोगों को, जानकार लोगों को इसके बारे में पता था, उसने तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया अपना, उसने कुछ भी नहीं किया अपना, उस आदमी ने, जो भी जानकार लोग थे उन्होंने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, एक फर्जी बैंक में खाता खुलवाया, वो आदमी तो इस बैंक में भी नहीं आया खाता खुलाने, डालू राम नाम का कोई और डालू राम बन के आया, उसने अपना देवाराम बन के आया, उसने अपना बैंक में खाता खुलाया, उसका आवेदन फार्म भर दिया, और मात्र 1 महीने में उसका फार्म पास हो गया बिना जांच के, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, आप ये देख लीजिए, आपके सामने ये रिकॉर्ड है, खाली 1 महीने में उसका फार्म पास हो गया, उसके खाते में ये 2 लाख रुपए डल गए, और 2 लाख रुपए डलने के बाद भी पता नहीं किस किस योजना का पैसा आता रहा, ये पूरी डायरी भर गई लेन देन कर कर, ये लाखों रुपए का है। तो ये ऐसी जवाबदेही है, इतनी मोटी तनख्वाह लेकर के ऐसे काम करते हैं, फर्जी काम 30 दिन में, और बाबा है इसका बेटा काम करता था, नरेगा की मजदूरी है, ठेकेदार की मजदूरी है, आप सब जानते हैं, इस बाबा का बेटा मजदूरी करता था नहीं करता था, मंजूरी था बाबा का बेटा, लेकिन आज बाबा उसके लिए 4 साल से घूम रहा है, कीती मंजूरी था सब खे रहा, अब अणु मोटो सबूत का ही चाव बना रहे, वनरा कागज भी पेश करी राख्या बटे, पर सरकार वो नहीं मानेगा, क्योंकि वनारी तनख्वाह तो पूरी आई रही है ना, वनारो काम करनो कि नहीं करनो, ये फर्जी काम की दो वेगा, 2 लाख पास है तो 1 लाख मारा, 1 लाख थारा, खबर नहीं काई की दो वेगा, और अणु मोटी बात हमलो था, अणु मोटी बात की 2 महीना पहले यो मामलो ले इन गया जयपुर भी अटे भी, कि साहब मारा आते यो फर्जीवाड़ो वेगा, ये सब दरखास्त दे ही राखी मंडी रसीदा है, ये सब दरखास्त आदमी दे ही राखी बटे, वन दरखास्त में रिपोर्ट करबो कार्रवाई करबो बहुत दूर री बात है, उल्टो अणी मन खरा धड़काई रहा कि थारे जेल में बंद कराई जाएगा, तो शिकायत क्यों करी, यात्री मोटी तनख्वाह लेन असा काम करी रहा, तो था बताओ कि असा कर्मचारी असा अधिकारी काम री नप्ती वेनी चाहे कि नहीं वेनी चाहे, ऐसा काम था नहीं करा तो आपने तनखा नहीं मिलेगा, आप पे दंड लगेगा, आप जेल जाओगा। तो ये कानून री मांग यही है कि जो मजदूर आ रहे मजदूरी री नपती है नरेगा में, जो हर सरकारी कर्मचारी रे पया खूब दे, वन में मारी नाट नहीं है, तो आधा साल ज्यादा तो छुट्टी करी रहा, जतरा दिन रो वतरा दिन तो हाजिर हुए, आप खुद बताओ ईमानदारी, सचिव साहब कतरा दिन आपरा गाँव में हाजिर हुए, पटवारी साहब कतरा दिन आपरी पंचायत में हाजिर हुए, आवे ही नहीं, करे ही नहीं, 20-20 चक्कर लगावा, 10 चक्कर आते, पर तो उनका कतरी जाए नहीं, पूरी जाए नहीं कि आधी जाए नहीं, पूरी जाए नहीं, तो आप इधर से 171 का नाम हो, तो यार बदलो तो पूरा आए इन काम पर ही हो, और वो काम नक्की करो आना रो, कि यो बहनो चावे, कि ये 5 काम का पूरा करोगा, तो आपने पूरी तनखा मिलेगा, ये 5 काम नहीं करोगा, तो अतरो आप लोग दंड लगा, और यो कानून बनना चाहो, ये बहुत तो कोई करेगा नहीं, कानून बनेगा, यदि यो बात लागू होगा तो वही कानून री मांग, और ये कानून री मांग जो है वो साथी उठा वाला आपने बच्चा आज मौजूद है, और ये ऐसा साथी है जो मोटा मोटा कानून भी बनवाया, तो यो कोई बात नहीं है कि वो नहीं भेज सके, ये भेज सके, बस आप ना लोग आ रहा है एक बार आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार को करब तक जो बातों में बढ़ रहे हैं मानना पड़ेगा, और ये ऐसा उदाहरण
से जो भी इस कानून के लिए सहमत है, आज यहाँ पे पोस्ट कार्ड है, चिट्ठी है, मुख्यमंत्री के नाम एक लाइन लिखनी है कि जवाब दे कानून पास करो, ठीक है। एक पूरा फोन नंबर है, आपने एक पर्ची में लिख लेंगे बड़ा बड़ा फोन नंबर जवाब दे कानून का। ये जितने भी भाई बहनों के पास फोन है वो उस फोन नंबर पे एक फोन करें अपना। आप फोन करोगे इसका मतलब आपका दस्तखत हो गया कि आप जवाब दे कानून की मांग करते हो, आप चाहते हो। आप बताएं हम ये कानून ये इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी चाहते हैं कि नहीं चाहते, नेता और कर्मचारी दोनों। अपने एमएलए साहब को बहुत तनख्वाह मिलती है, अपने एमएलए साहब काम कितना करते हैं कोई तय करता है उनके लिए? सरपंच साहब ने भी तनख्वाह बार बधाई दी थी और थोड़ा दिन पहले ही बधी आना तनख्वाह सबरी तनख्वाह बधी की बनाना रहा काम ही कोई नफी नहीं है। तनख्वाह बधाई दी थी तो वो जो है अपन वो फोन नंबर पे फोन करें आज सब, अपन इसमें पोस्ट कार्ड लिखें और अपनी जो भी समस्या है कि नरेगा का पैसा नहीं आया, मजदूरी का पैसा नहीं आया, शौचालय नहीं मिला हमको, है ना, हमको कल्याण बोर्ड का फायदा नहीं मिला, हमारी जो भी समस्या है आपकी, आप वो समस्या भी अपनी दर्ज कराएं तो ये समस्या अपनी राजस्थान संपर्क पोर्टल पे दर्ज होगी जो जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी और इसके ऊपर अपन फिर कार्रवाई की मांग करेंगे। समस्या को भी बंद कर देते हैं बिना समाधान के, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनको भी तनख्वाह मिलती है इसी बात। तो बड़ी बात बस यही कहना था आज हम सबको यहाँ पे आकर के हैं। निखिल जी हमारे बीच में बहुत दूर से चल के आए हैं, अब जयपुर ठेठ भीम ब्यावर जयपुर से चल करके यहाँ आए और वापस बेंगलोर जा रहे हैं और ये खाली आप लोगों से मिलने आए हैं कि ये कानून क्यों जरूरी है ये हमको बताने और समझाने आए हैं कि क्यों इसकी मांग उठाना जरूरी है और कैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं निखिल जी से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक मिनट सुनना, मैं शिकायत की थी कि मेरे क्षेत्र में पानी नहीं है, ठीक है, जवाबदेही में शिकायत दर्ज की थी और अधिकारी का मेरे पास फोन आता है कि आपके पानी की समस्या का समाधान हो गया क्या? तो मैंने कहा साहब न तो पानी आया न अधिकारी आए, ये शिकायत को बंद कर दे। मैंने कहा जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक शिकायत को बंद मत कराना, शिकायत उस दिन बंद होगी जिस दिन मुझे पानी मिलेगा। तो वो अधिकारी कह रहा था रोज मुझे फोन करता था आज पानी आ गया क्या, कल पानी आ गया क्या। मैंने कहा जब तक पानी आए तब तक मेरी शिकायत बंद नहीं करोगे, आपके पास फोन आएंगे कि साहब आपने जो शिकायत लिखी थी वो हो गई बंद कर दो क्या थी? जब तक हमारे नाली नहीं बनेगी तब तक बंद नहीं होगी, जब तक मेरे को आवाज का पैसा नहीं मिलेगा तब तक शिकायत बंद नहीं करोगे, मेरी समस्या का समाधान होगा शिकायत सरकार के पास कहाँ से आता है? हमारा
सरकार का पैसा कहाँ से आता है? अबर बताओ ना गुड्डू, आप बताओ ना, छापते हैं बस, छाप के निकल जाता है क्या? अरे आवाज बताओ, आपने दारू चाय पियो, दारू पियो, बीड़ी पियो, दाल खाओ, रोटी खाओ, गाड़ी में जाओ, टैक्सी में जाओ या सरकारी गाड़ी, ये बस में जाओ, किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा? डीजल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उसमें टैक्स है कि नहीं है? दारू का भाव भी बढ़ रहा है। तो दारू दारू जितना पियो उतना सरकार के पास पैसे आ रहा है, और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये कर्मचारियों की तनख्वाह में। सच्चाई आप देख लो कि वो कर्मचारियों की तनख्वाह में वो पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा किसका है? पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो इसीलिए वो पहला नारा जो लगा उस समय, वो नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब। क्या कर रहे हैं हम बैठ के? हम हिसाब ले रहे हैं कि हमारे पैसे का हिसाब आप दो, है ना? तो वो हम ये नारा लगाएं, आप लगाओगे? मैं कहूँगा हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। लगाएंगे तो मैं कहूँगा हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। अब नारा मोहन जी आए थे, मोहन जी वहाँ जयपुर में धरने में नारा कैसे लगाए? कैसे लगाए? बढ़िया लगाए। कैसे लगाए? लगाए हाथ मुट्ठी बांध ऊपर ऊपर कर नारा लगाते हैं। आपने भी लगाया होगा कभी ना कभी, नहीं लगाया तो लगाना तो शुरू करना पड़ेगा, ताकि दिखे तो सही कि वास्तव में नारा लगा। तो लगाए एक और बार, हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। हाँ बेना मुट्ठी हाथ बंद नहीं हो, नहीं नहीं सबकी मुट्ठी यूं होनी चाहिए, हाथ उठना चाहिए। मजदूर यूनियन बने तो हाथ ऊपर करना पड़े, मुट्ठी बांधना पड़े। ये तो यूं पता लगा कि ये कभी नहीं आया था, आज हाथ उन्होंने नहीं कर रहा, आज एक मोरा है ही नहीं है, मादी उदाहरण पड़े। हाँ हमारे आदमी की पहचान है मुट्ठी बंद और हाथ पता लगना चाहिए। हमारा पैसा हमारा हिसाब। अब लग रहा है हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। हमारा पैसा है, मोहन जी का पैसा है, हमारे गांव का पैसा है, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। आपको तो तनख्वाह दे रहे हैं, आपको तनख्वाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस तनख्वाह का हिसाब दो, रोज रोज का जवाब दो, क्या कर रहे हो इससे? तो ये कानून जो कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पैसों का हिसाब दो। तो क्या क्या किन किन चीजों में आप बताओ कि आपके, मैं कहूँगा सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। अपने को दो बार बोलना है, एक एक चीज का जवाब चाहिए, चाहिए कि नहीं? मन में सवाल है कि नहीं कि इनके चार साल क्यों हो गए? सवाल है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? आप कह रहे थे ना कि कितने 13 चक्कर काटते हैं फिर भी साइन नहीं करता है, नहीं करे ना? तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नरेगा में 100 दिन नहीं मिले तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पानी नहीं आता है कहाँ से? पानी नहीं आता है इनका, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। वो अपना दस्तखत नहीं करता है और वो खोलता ही नहीं है पटवार घर, तो जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं कहूँगा सवाल है, सवाल है, आप कहेंगे जवाब दो, जवाब, सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो, सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। शिक्षा का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। स्कूल का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। बच्चों का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सड़क का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। रोजगार का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। नरेगा का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। हॉस्पिटल का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। स्वास्थ्य का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। मेरा भी सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। मेरा भी सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। जवाब मांगने का काम, जवाब
में नहीं चाहिए, चाहिए ना, हर गांव को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर घर को चाहिए। तो ये कानून है, इसके लिए लड़ना है। और क्या है जो इन्होंने कहा कि यदि काम नहीं करेगा जो वो उसको तनख्वाह मिल रही है ना, नरेगा के मजदूर की तो पेनल्टी लगा दो कि नहीं 160 रुपए ही देंगे, नहीं 150 ही देंगे, नहीं 200 ही देंगे, नहीं 220 ही देंगे, 231 है तो 231 क्यों नहीं दे रहे कि आपने पूरा काम नहीं किया। हम लोग नारा लगाते हैं पूरा काम पूरा दाम, नारा लगाए सही है, बात सही है, पूरा काम जो करे उसको पूरा दाम मिलना चाहिए, पूरा काम पूरा दाम, पूरा काम पूरा दाम। और ये पूरा काम करते हैं क्या कर्मचारी, करते हैं क्या, दाम पूरा लेते हैं, काम अधूरा, दाम तो ऊपर से और लेते हैं, ये ऊपर से तो अलग है, ऊपर से अलग है। तो उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, पक्की बात, जिन जिन को लगता है लगनी चाहिए हाथ खड़ा, हाथ खड़ा करें, वो हमारे कर्मचारी है। मान लो आपने आपने किसी को कहा कि आगे घर बनाओ, हाथ ऊपर रखे जिसको लगता है, लगता है कि नहीं, तो हाथ ऊपर कर रहे हो, पेनल्टी लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा हाथ ऊपर करने से, हाथ ऊपर करके लाखों जगह से लोगों को आना पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी आसानी से नहीं मानते। बंधना नहीं चाहिए, चाहता है, चाहता है कि मैं जो मेरी मनमर्जी है मैं साफ बन के रहूं, सबके ऊपर साफ बन के रहूं, तनख्वाह लूं और तनख्वाह लूं, छुट्टी लूं और छुट्टी लूं, और फिर भी साफ बनूं, सबके ऊपर साफ बनूं, दरवाजा खोलूं नहीं खोलूं, बात सुनूं नहीं सुनूं, कागज लूं नहीं लूं, कागज दूं नहीं दूं, जवाब देना तो सवाल ही, कौन होते हो तुम जवाब मांगने, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं साहब है या हमारे लिए सेवक है, क्या सेवक है, सेवक है, तनख्वाह हम दे रहे हैं, तो वो सेवा और वो अपना काम नहीं करे और पूरा काम नहीं करे तो पूरा दाम मिलना चाहिए क्या, नहीं मिलना चाहिए ना। तो ये कानून है, बस साधारण है। और मान लो किसी का काम नहीं हो, टाइम पर नहीं हो, मोहन जी का काम टाइम पर नहीं हुआ तो मोहन जी को भी मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, 4 साल से काम नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था 1 महीने में, चोर आदमी के आप देख लो, 1 महीना बाद जहाँ चोरी करना था उन्हीं वो तनख्वाहदारी वाले लोगों को चोरी करना था तो 1 महीना में पास करके बैंक में डाल दिया और पैसे खा गए वहां, तो 1 महीना। और यहाँ जब असली आप कह रहे हो ना, आपने आपकी यहाँ मजदूरी की, इनके भाई ने मर गया, इसको ही मिलना चाहिए। और यहाँ 4 साल से घूम रहा है और भटक रहा है, तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। अब जो चोरी करे उनका क्या होना चाहिए, केवल दंड, क्या दंड, जुर्माना मिलना चाहिए। चोरी करने वालों को जेल जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। किन किन को लगता है कि चोरों को तो जेल जाना चाहिए, किन किन लगता है, तो एक आज मैं और आगे नहीं बोलूंगा, मैं प्रस्ताव लेना चाहता हूँ 2-3 चीजों का। एक प्रस्ताव तो लेना चाहता हूँ कि मोहन जी की बात आज हम लिखें कि इनको इनको तो जल्दी से जल्दी इनके भाई, आपका भाई का नाम क्या था, संपा राम जी को जल्दी से जल्दी इनके पैसे दिलाओ। यहाँ से एक चिट्ठी जा सकती है, जा सकती है। और हम तो कहें कि जवाबदेही कानून के तहत आप इनको मुआवजा भी दो, 4 साल से क्यों लटका है, कहे कि नहीं कहे, प्रस्ताव ले कि नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी ना। आज बाकी चीजें जो लिखेंगे, शिकायतें लिखी है आज तक, आप कुछ लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं, तो वो शिकायतें जो लिख रहे हैं अपनी, जो जो शिकायतें, किसी का पानी का हो सकता है, किसी का बिजली का हो सकता है, किसी का खेत का हो सकता है, किसी का स्कूल, पता नहीं है मास्टर कितने हैं, मास्टर कहाँ है स्कूल, ऊपर है, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे और मास्टर तो बहुत कमी है, 5-6 तक का है, 8-6 तक का,
ये जो आपको चीजें लगे वो उन लोगों को आप लिखें, लेकिन इनका एक प्रस्ताव लें। और आज ही हमारी मीटिंग है उदयपुर में कलेक्टर के साथ, तो आज कम से कम एक एक का मामला, एक एक अर्जी कोई लिखा आपने अभी तक? एक अर्जी का ये एक एक अर्जी आंदोलन का हिस्सा है। ये हर अर्जी में हम कह रहे हैं कानून पास करो और इस आदमी का काम करो, इस औरत का काम करो, जो इसका काम है वो पूरा करो और पूरे राजस्थान के लिए एक न्याय करो कि ये कानून पास करो। दूसरा, हम ये जो देवराम जी वाला है ना, ये वाला, ये चोरी थी कि नहीं? चोरी थी। चोरी थी कि नहीं? तो इसमें जेल जाना चाहिए कि नहीं? मरना चाहिए, मारेंगे नहीं। जेल जेल तो डालना चाहिए ताकि लोग देखते रहे कि आदमी जेल में है। किस किस को लगता है जेल जाना चाहिए इन लोगों ने? तो यहाँ हम कहें कि देवाराम जी को तो पैसे मिले अपने 2 लाख, और देवाराम जी की पत्नी मिली तो उनको 2 लाख उनके पैसे मिले, और ये सारे लोग जो इसमें हैं वो जेल जाए, इसके लिए किसकी सहमति? जाना चाहे। तो ये दूसरा प्रस्ताव। और तीसरा प्रस्ताव है कांगे मोहन जी ने जो बात की, मोहन जी ने क्या है कि कितने लोगों की डायरियों का काम नहीं हुआ, यहाँ कुछ मांगा और नहीं हुआ, कोई है यहाँ? आपने शर्मिंद डायरी दी है ना? हाँ, जस्की भाई कहाँ गए? जस्की भाई अब कितने था, 2 साल का पैसा बाकी छात्रवृत्ति का, अभी तक नहीं आया। कब भरा? वो 3 साल हो गए, अभी तो वो नवी पढ़ रहा है, सातवीं पढ़ रहा था, अब नवी आ गया और तब भी नहीं मिला। और छात्रवृत्ति किसके लिए है? ताकि वो पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो भवन जी ने, भवन जी ने क्या बात रखी कि ये जब सत्यापन हो रहा है, अभी चल रहा है, सरकार ने एक बहुत बड़ा, मुख्यमंत्री ने भाषण दे दिया विधानसभा में और कहा कि 3 महीने में सारे हम निपटा देंगे मामले। 3 महीने को, 1 महीना तो हो ही गया, 1 महीना हो गया, तो बड़ा सा भाषण दिया, पूरे राजस्थान के सब निपटा देंगे। अब भंवर जी कह रहे हैं बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो ही सरकारी कर्मचारी ढूंढ रहे हैं। कौन है? पटवारी है, ग्राम सेवक है और प्रिंसिपल है। वो तो प्रशासन गांव के संघ में भी करवा चुके, वहाँ भी नहीं हुआ, सर उन 3 से करवा रहे हैं। और भंवर जी का कहना है हमें भी साथ रखो। मेरा एक प्रस्ताव है इसमें, मेरा प्रस्ताव है कि हम कह रहे हैं हमारा पैसा हमारा हिसाब, तो हम कह रहे हैं कि आप बड़ी मीटिंग रखो, खुली मीटिंग रखो और सब लोगों को बुलाओ, और किन किन को पैसे नहीं दे रहे हैं और किन किन को पैसे दे रहे हैं आप पढ़ के भी सुनाओ, और ऐसा जैसे चार्ट लगाए वैसे आप चेत चपका भी दो, बोल भी दो माइक पे, ताकि लोग कह सके कि वास्तव में इस गांव का ये आदमी है, इसने कभी कमठाना का काम किया नहीं, इसने कभी मजदूरी की नहीं, इसको तो दे रहे हो। और ये है जिसके बच्चे ये नरेगा में गए, इसका पूरा है, और इसके बच्चे के छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिले, तो उनका नहीं चलेगा, उनका रिपोर्ट भी होगा तो रिपोर्ट भी झूठा हो जाएगा। इसको कहते हैं एक जनता जांच, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। तो वो हम प्रस्ताव दें और आज सरकार को भी कहें और आज कलेक्टर साहब से हम मिल रहे हैं, उनको भी कहें कि सबके सामने करो, ये केवल 3 लोग, अरावली ठीक है लेकिन दूसरी जगह वहां भी कोई चोर घुस सकता है, तो कोई संगठन, केवल कोई संगठन संस्था जितनी भी अच्छी हो, जनता से अच्छा कोई नहीं, पूरी जनता के सामने हो तो सारे लोगों की बात आ जाए। तो ये प्रस्ताव है भंवर जी, आपको ठीक लगे तो, अरावली को ठीक लगे तो ये भी ठीक है, बात हम सबके सामने, खुला मंच, सबके सामने खुले मंच में आप बता दो और खुला मंच बताएगा। सर जनता इकट्ठा होके जो करेगी वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनकी बात के लिए हम तालियां बजाएं सच में।
यही बात असली बात है। तो इसीलिए हम कहें कि जो काम तो वो चोरी है, चोरी करे तो उसको सीधा जेल जाना चाहिए। और आज हम मान करेंगे कि वो देवाराम जी के जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भेजो, देवाराम जी को अपने पैसे दिलाओ। और यहाँ मोहन जी के भाई जिनका नाम है चंपा राम जी को मुआवजा दो, अपना वो दो, चार साल से रुका है वो भी दो और मुआवजा दो। ये सारे चीजों के प्रस्ताव लेंगे। और BOCW का ये डायरी वाला खुले में काम करो अगले दो महीने, इतना कर ले बात, कर ले बिल्कुल, करें या नहीं करें। और फिर उसका जो होगा उनमें से, ये आपको आके राजेंद्र जी या और भी लोग वो आके आपको वापस बताएंगे। पवर जी यही लोग, पवर जी, हाँ पवर जी, मोहन जी, ये सब, हाँ ये सारे लोग। इसी बीच में मेरा एक निवेदन है आपसे, आप कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे तो थोड़ी ये बात जरूर वहाँ रखनी है कि आप जो अगर आदेश कर रहे हैं तो 10-15 स्तर पे करें, ताकि पंचायत पंचायत की वही चौपाल हो जाए और खुले में मतलब बात ये कर सकते हैं। बाकी इन चोरों को डालोगे तो हमारे पास कुछ सही आदमी के पास पैसा नहीं पहुँचे। वो तो हम कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि खुले में करें। अब वो पंचायत स्तर पर हो या किस स्तर पर हो ये मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि पंचायत स्तर पर वहाँ भी ठीक से पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गोगुंदा सर, गोगुंदा है ना ब्लॉक, सारी जगह। तो निखिल जी डे मीटिंग ले रहे हैं जवाबदेही आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए, जन आंदोलन, और एक कैंपेनिंग जो है वो चलाई जा रही है। लोगों की बड़ी संख्या में जो है शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निवारण कैसे हो, एक सुच्चा सुलभ न्याय लोगों को कैसे मिले। लोग योजनाओं के लिए भटकते रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है, तो उस पर सारी बात हो रही है। और जो भ्रष्ट लोग हैं जो समय पर काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले काम नहीं करते हैं। सभी के विचारों को लिया जा रहा है, सबका मत लिया जा रहा है, और कलेक्टर साहब से मिलेंगे। भी हम जानी पड़ेगा आपने बात, तो बातों बात सब जगह फैलावनी पड़ेगा आपने, है ना। कणो केबो मातो खराब कर को नहीं है, कोई नहीं समझेगा नहीं मानेगा, समझ आएगा कि देखो यूं यूं जा रहे हो, सही लेनो चाहो सब समझे। हाँ समझा, हाँ समझा, समझा कि नहीं समझा, तो बस वे भी समझेगा यूं। हाँ यानी अतरा मनक आया आज 40-50 मनक आपा बैठा, यानी गांव में अगर 50 मनक भी समझा, बीजा गांव में 50 मनक समझा, यूं करीन करीन तो लाखों मनक समझ जाएगा। और जनीतन लाखों समझिन फोन करेगा, कागज लिखेगा, तो आपको आप सरकार करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगा तो आपा लाखों मनक फिर बटे पहुंचाऊंगा। तो आज हमारे बीच जयपुर से चलकर सर निखिल सर है जो पधारे, उनके साथ बजरंगी सर उर्दू में जी, और साथ में राजेंद्र जी सर मोटर आप यहीं से, लेकिन अपने साथ में गोगुंदा अरावली संगठ से अध्यक्ष तगत सिंह जी, जिले से हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी गोविंद जी जी, और यहाँ से गांव से बधारे आप सभी मजदूर संगठन अरावली संगठन के सभी साथियों माताओं, अपन जवाबदेही कानून के लिए सर ने आपको कितनी बातें बनाई बताई, इसके लिए अपने को बहुत संगठित होने की आवश्यकता है। अगर संगठित होके अपन इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री को भी अपने सामने झुकना पड़ेगा। आज धीरे 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 मजदूरों के हर कानून को तोड़ के, पहले 44 कानून थे और अब ला के इन्होंने तोड़ मरोड़ के 4 कानून रखे। अब 4 कानून में अपना पैसा लोग खा रहे हैं, किसी के यहाँ काम करता है मजदूर बेचारा तो वो पैसे है जो खा जाते हैं, कानून निश्चित रूप में जल्द से जल्द पास होगा। मैं तो सर के वहाँ भीम में भी जा गया, उस समय क्षेत्र के सभी अधिकारी वहाँ थे, तो मैंने उन
श्रम विभाग के अधिकारियों को बोला, मैंने कहा अधिकारी महोदय जब ये हमारा श्रमिक अगर आप सहयोग नहीं करे और हमारा श्रमिक ही नहीं रहेगा तो आपके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों? कि जब आप श्रम विभाग ही श्रमिक ही नहीं रहेगा तो श्रम विभाग कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा हमारी वजह से आप नौकरी कर रहे हो, अगर हम मजदूर नहीं रहेंगे तो आपके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सर, अन्यथा आप है जो इस श्रमिकों का काम समय पे करें। तो इसके साथ ही आप सभी यहाँ पधारे रावली की वादियों में, रावली संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। बोरमचा में मीटिंग हो गई है, सभी युवा साथियों को समझा दिया गया है। मजदूर एकता कैसा लगा जानकारी? बढ़िया, बात समझ में आएगी। तो आज एक दिवसीय बैठक रखी गई और देखें आप बरवाड़ा ब्लॉक में मीटिंग रखी है, सभी युवा साथियों ने भाग लिया है, माता बहनों ने यहाँ पे भाग लिया है, भैरू जी बाग जी के स्थान पे जो है मीटिंग संपन्न हुई है और सभी ने अपनी अपनी शिकायतें भी जो है वो लिखी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज की मीटिंग में अच्छा काम हुआ और जानकारी मिली और भाई बहनों को सबको समझाया और जवाबदेही यात्रा रो सब समर्थन क्यों बतायो। तो जवाबदेही आंदोलन के बारे में चर्चा हुई है और यहाँ पर जो है शिकायतें लिखी जा रही है, मोहन जी भाई साहब खुद शिकायतें लिख रहे हैं और हमारे युवा साथी सब जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना, सभी ने बिल्कुल एतमान से सुना है कि किस प्रकार से अधिकारी जो है किस प्रकार से लूट मचा रहे हैं, उसका जो एक चार्ट यहाँ पे लगा गया, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने के बाद भी कोई काम नहीं करते हैं, उस तरफ एक चार्ट वो लगाया गया जिसमें 173 दिन 172 दिन काम करते हैं, आधा साल तो काम करते हैं और आधा साल आराम करते हैं और अधिकारी इस प्रकार से देश में लूट मचा रहे हैं और गरीबों को जो है वो है भटकना पड़ रहा है दर दर दफ्तर दफ्तर, मोटी तनख्वाह लेने वाले काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये जन आंदोलन जरूरी है और जवाबदेही जो है वो जरूरी है, इसी को लेकर आज जो है बैठक रखी गई और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ सभी फड़े के माता बहनों ने बच्चों ने सभी ने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं साथियों, फिर मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देखते हैं बरवाड़ा ग्राम पंचायत करदा से सीधा दृश्य देख रहे हैं जिला उदयपुर, जहां जवाबदेही आंदोलन की तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सभी की शिकायतें जो है वो लिखी जा रही है। तो ये बरवाड़ा का पूरा चौक है, तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के महामंत्री एकलिंग जी मेघवाल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पवन लाल जी नगारसी रोहिड़ा, तो तकत सिंह जी क्या हुआ जो मीटिंग करनी पड़ रही है? तो हमारे बीच में आदरणीय गोगुंदा के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तकत सिंह जी राजपूत साहब हमारे साथ बात हमारे बीच में हैं, उनसे जानेंगे किस किन मुद्दों को लेकर हम ये जन जवाबदेही आंदोलन चला रहे हैं मुहिम। जवाबदेही का कानून तो ये इसलिए है कि मतलब कोई अधिकारी है उसके ऊपर कोई काम करने की जवाबदेही नहीं है, मतलब अपने पंचायत से लगा करके पंचायत समिति और मतलब तहसील वो जिला तक हो कोई अधिकारी जवाब से कोई मतलब काम नहीं करना चाहता और जिनके श्रमिक दायरी बनी है तो जो श्रम विभाग के अधिकारी है वो भी सही ढंग से काम नहीं करते। हमारा फार्म रिजवेट किया जाता है, मतलब सही नरेगा में 90 दिन होता तो भी रिजवेट किया जाता है और योजना सारी बंद करके रखी है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जवाबदेही कानून बने तो सबके ऊपर थोड़ी मतलब कुछ मतलब उनको लगेगा अब जवाबदेही कानून बन गया है तो हमारे गरीबी कुछ जवाबदेही लगेगा तो किसके ऊपर जवाबदेही नहीं है। मजदूर नरेगा में जाते हैं काम करते हैं
तो भी उनके ऊपर आपने 90 में काम नहीं किया तो उनको 190-200 तक भी मिलती है। बाकी अभी सरकार ने 221 रुपये किया है, उस मजदूरा ऊपर क्यों मतलब जवाब नहीं है। मतलब आप 90 से काम करोगा तो पूरा काम पूरा दाम मिलेगा, अधिकारी के ऊपर कोई मतलब जवाब नहीं है। इसलिए हम गाँवों गाँवों में और पंचायत समिति लेवल पर जिला लेवल पर और जयपुर तक हम धरना लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं। तो देखिए, आप जवाबदेही आंदोलन की जवाबदेही कानून की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, बैठक की जा रही है। जवाबदेही क्या है, जवाबदेही कानून किस तरह, जवाबदेही कानूनों के ऊपर एक कानून है जो कानूनों का नियंत्रण रख करेगा, ऐसा कानून है जिसकी मांग को लेकर प्रयास किया जा रहा है। एकलिंग जी हमारे साथ में, एकलिंग जी है और एकलिंग जी से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है। सर तैयारियां जवाब दी आ गया बस, राजस्थान में पूरे राजस्थान में सभी जो ट्रेड यूनियन है और खासकर अरावली संगठन, जिनके द्वारा जवाब दी यात्रा जो प्रारंभ की थी वो करीबन 13 जिलों में कर चुके थे और कोरोना के कारण इस यात्रा को पूरे राजस्थान में नहीं कर पाए, तो इसी के अंतर्गत अब वापस कोरोना समाप्त होने के पश्चात वापस नए सिरे से पूरे राजस्थान में इस जवाबदेही यात्रा को लेकर इस कानून जवाबदेही कानून को पास कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, लेकिन आज दिन तक अभी कोई उसमें सुनवाई नहीं होने की खातिर हमारा संगठन पूरे और जोर के साथ पूरे राजस्थान क्षेत्र में प्रयास कर रहा है और जवाबदेही कानून पास करो इसके लिए गांव गांव और ठाणी ठाणी जाकर घर घर संपर्क किया जा रहा है और सारे जिन जिन लोगों की समस्याएं क्षेत्र में है, आज 5-5 वर्ष से लोगों को सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है, लोग वंचित हैं, वो बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई की छात्रवृत्ति का पैसा। तो सरकार ने योजना निकाली थी शुभ शक्ति, जो लड़कियों को शादी कराने के लिए 55,000 दिए जाते थे वो भी नहीं दिए गए, आज 5 साल हो गए। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जवाबदेही कानून पास करो और आप सरकार की और सरकारी कर्मचारियों की पूरी पूरी जवाबदेही होनी चाहिए ताकि हमें समय पर आम जनता का काम हो, यही आशा करते हैं हम। तो जवाबदेही कानून की मांग को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा है, शिकायतें लिखी जा रही है। एकलिंग जी ने बताया कि लोगों के काम नहीं होते हैं, लोग भटकते रहते हैं दफ्तर दफ्तर लेकिन उनका काम नहीं होता है। इसी उद्देश्य के साथ जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय तैयारियां की जा रही है और कुछ ही 1 मई के बाद जो है वो जन आंदोलन किया जाएगा और जवाबदेही की जो यात्रा फिर शुरू होगी और उसी की तैयारियों की जा रही है। अधिकार अपने आप का, नहीं किसी के बाप का।
सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। शिक्षा का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। रोजी रोटी का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। हर महिला का सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है, सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। अब एक गीत गाने के लिए तैयार है एक लड़का, ठीक है ना? सबको जोर से गाना। हमारी मजदूरी कट जावे रे, अधिकारी तनखा दे को बढ़ती जावे रे। मम्मी ए काम करे पूरे साथ में। आपा कदम काम करा 365 दिन
वाओ मम्मी ने एक जंदर पकड़ा था क्या वो पकड़ा था क्यों ये भाई जो लाख के नहीं गए जो ओ भाई साहब इकतीस लाख मालिक मम्मी मम्मी पकड़ा लग ना बोलो हैं मम्मी बंद कर दूँ अरे हाथ पकड़ दूँ क्या हाँ बना मैं एक महीना तक धरना प्रदर्शन की तो एक महीना तक लड़ता रहा आपने लोग बात
हाल तक चालू से हमारे
आप सभी के लिए भी एक बार ताली हो जाए। कानून के बारे में जब आप यात्रा के बारे में तो राजस्थान का हर जगह एक आवाज उठी, जब आप देख कानून क्यों चले और जब आप देख कानून क्यों लागू होना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि हर सरकारी आदमी ने 70,000 रुपये रखा है और वे आपको बट जाऊँगा तो बार बार आपको चक्कर करवा को जवाब देना, जवाब देने मिल जाए कानून के लिए जवाब देने नहीं आए नहीं मिलते तो वही चीज़ें जो बयान उठाए हो कानून लागू कर बनवाते तो जवाब दे जो रद्द आए हो अपने गोकुंदा में वन टाइम में गोकुंदा में क्यों आ गया आपको हर हाथ रोक दे गोकुंदा रहते आप आई आपको आप क्या है कितना बड़ा कितना पहले नहीं मैंने पहले हमारे तो आज जो जवाब दी यात्रा जाली कानून की बात है तो वह मतलब गोकुंदा में ये तो देखा हमारे 13 जिला में की राजस्थान में 33 जिला है बड़ी मत 13 जिला में वहाँ यात्रा पहुंची लेकिन बच्चे कहीं भी हो एक तो कोरोना लागू भी क्यों और दूसरा मतलब चुनाव हुआ यूपी में आप नरेगा में 200 दिन मांग गया अपने मांग 200 दिन दी तो वहीं में भी बात हुई वहीं में यह बात हुई मीटिंग आई 25 दिन बढ़ाया एक तो वो बाद में जो गहना बैठ चुकी है मजदूर डायरी बन चुकी है मैंने बात 4 सालों पहन नहीं आया 2017 के बाद तक पहन नहीं आया मैंने बात ज्ञापन मैंने देना आया और 22 दिन तक कटा रही है और वो लागू कराया हूँ तो वो अखबार वो कानून लागू बहुत मतलब उदयपुर जिला कलेक्टर की जो आदेश जिला कलेक्टर आदेश दी तो जिला कलेक्टर आदेश दी तो है जो एस डी एम बैठे हैं वो गुंडा में तहसील स्तर पर और वो आदेश जरा बाद में अभी जो है अपने सेंटर पर आगे आगे भी प्रिंसिपल मैडम है सचिव साहब है और पटवारी मैडम है आदेश तो लेकिन ये लोग अलीगढ़ लोकर बातें हम करेगा तो अन्य लोकर बातें भी अपन कलेक्टर में मीटिंग में बात गया है लोकर बातें माँ अपन कलेक्टर बात करेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारा आगामी संगठन का मजदूर या हमारे लीडर है वो डॉक्टर पाटिल होकर सबसे जांच की समझने के लिए हमने ये बात की जो 13 दिनों में जो अखबार यात्रा की है और जो धरना दिया उन्होंने नतीजे सरकार है थोड़ी गर्मा गर्मी आएगी तो वे धीरे धीरे आपने जाँच करेगा आपके घर में आएगा आप मजदूर होगी कहीं काम करो आप कहीं किसान का काम करो कहीं नहीं करो वो चीज़ आपने पूछेगा एक तरह को जवाब दे लो ताकि उनको लाभ ले लो अच्छा उनका मतलब क्लियर हुआ कर आपके खत्म में पैसा भी आएगा आपके उसके नया भी आएगा लेकिन आप मजदूरी होगी ना फोन खत्म करेगा तो और अभी के लोग हैं कि नहीं चाहते हैं किसी चीज़ को आपने फोन दे लो गर्दा पंचायत में 450 डायरी बनी थी कैसी बनी थी 450 डायरी बनी थी लेकिन अड़ी में जो लोग साइन भेजा है फॉर्मेट पे या हम सिर्फ बैठक में आएगा तो अरावली संगठन जो जिनमें पिलो है जो पिल्लोदारी है मेरा बिल्लो रिजल्ट जो है और वो अगर हम सिर्फ महीना में एक बार बैठक में आई हुए तो वो तो हमारे संगठन छोटी सी पुलिस जो है संगठन मिलने वाला कैसे करेगा पुलिस तक लड़ने वाला वो भी लड़ेगा जब कुछ लड़ने वाला तो भी लड़ेगा लेकिन जो घरे बैठने का मीटिंग में भी नहीं आएगा लेकिन ये कंप्यूटर पर देख रहेगा कि 50 देंगे 15 ही थी
ऐसे कट जाएगा, क्योंकि ये अपनी रिकॉर्ड मॉल और ये रिकॉर्ड में उन्हें पता है अपनी आएगा ऐसे कट जाएगा। मॉल में मानी जिम्मेदारी नहीं है, आप धैर्य खत्म था, धैर्य रत्न था, हर जगह खुद था, कई लेन में इन लोग कई कटे अवरोधा करो तो भी अपने धैर्य बाजी नहीं नहीं देगा, इन्हें वह धैर्य खड़ेगा ऑनलाइन जो आपने मारा देखे थे ना बिल्कुल सही बात है। तो यही बात है ना, क्यों पड़े फदर इंक्वायरी में? तो आप देखिए कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की जो है बैठक चल रही है, जवाबदेही आंदोलन जो है वो लगातार तैयार है। आप देखिए मेरे साथ में युवा है, वो खुद बता रहा है कि क्यों पढ़ा ये फदर अखबार में तुम्हारे छात्रवृत्ति का, ये तो बच्चों के लिए है ना, शिक्षा के लिए है, शिक्षा के जो छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं को रोड़ा अटकाया जाता, तो आपको लग रहा है क्या देश उन्नति कर लेगा है? क्या देश उन्नति कर पाएगा? तो देखें ये युवाओं का दर्द है कि जो छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्था, एक तरफ सरकार कहती है पढ़ो आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं को भी रोक के रखा है, अड़ंगा लगा देते हैं, अफसर जो है अफसरशाही लगाते हैं। आप जाते हो दफ्तर में क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो बोलते आ जाएगी, आ जाएगी, कब आ जाएगी? बोले आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, छठी क्लास से दसवीं में आ गया तब तक आ जाएगी। बोला 2018 के बाद ये भी जब होगी मेरे पास,
तो आप देखिए कैसे व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा रही है और व्यवस्थाओं के खिलाफ कैसे जन बोला था बोल दिया पता नहीं कहीं चले आओ चार बार जाएंगे और बोल दिया और हो रहा हो पहले आ चुके अब निशा रहा होगा अभी तो कुछ निशा Yeah.